पत्थर कैसे बना भगवान। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ामय हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यही इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता, मैं जिस हाल में जो उस हाल में छोड़कर मुझे यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा धीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो, यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी, वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार किया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त किया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वह पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहां से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव के लोग वहां पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन और उससे पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते जाते उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैं उस दिन इस दर्द को, इस तकलीफ़ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता है। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।
और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो आप अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।